हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक पोयम लेकर आई हूँ जो है हीरो एंड लिएंडर। ये पब्लिश हुई थी 1598। ये लिखी गई है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हुई थी 1593 में और 1598 में ये पब्लिश हुई थी। मींस मार्लो के डिमाइज के 5 ईयर्स के बाद ये पोयम जो थी पब्लिश हुई थी। इट रिटेल्स द ग्रीक मिथ ऑफ हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर की ये लव स्टोरी के बारे में है। अब हम कई बार नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जो स्टूडेंट्स हैं नेम से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं शायद हीरो लड़के का नाम है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। हीरो जो है वो लड़की का नेम है और लिएंडर जो है वो लड़के का नेम है, ठीक है। After Marlowe's death, it was completed by George Chapman. Marlowe की death के बाद इस poem को George Chapman ने complete किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये दो lovers की कहानी है, hero and Leander, जिसमें hero जो है वो लड़की है और Leander जो है वो लड़का है। Hero and Leander जो है वो एक Hellespont नाम की जगह, एक straight है, straight होता है narrow stretch of the sea। स्ट्रेट मीन्स कि जो दो लैंड मासेस को अलग करता है, दो धरती के भागों को अलग करता है, लेकिन दो लार्ज बॉडीज को, वाटर बॉडीज को जो है वो जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेस्टोस नाम की सिटी में हीरो रहती है और एबिडोस नाम की सिटी में लिएंडर रहता है, ठीक है। ये जो जगह है अभी ये नॉर्थ वेस्टर्न टर्की के नाम से जानी जाती है, जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है। मे बी ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो सेस्टोस में सिटी सेस्टोस है उसमें हीरो रहती है, वो प्राइस्टस और डिवोटी ऑफ वीनस, वो वीनस की डिवोटी है, मींस की गॉडेस ऑफ लव है जो वीनस, उनको ये बहुत मानती है, उनकी डिवोटी है। लिएंडर एबिडोस सिटी में रहता है जो इस स्ट्रेट के दूसरी तरफ रहता है। लिएंडर जो है सेस्टोस में एक एनुअल फेस्टिवल को देखने के लिए जाता है जो वहां पर काफी फेमस होता है, जिसमें वो हीरो को देखता है। वो जब हीरो को फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको प्यार हो जाता है, मींस लव एट फर्स्ट साइट। तो हीरो जो है वो वीनस और एडोनिस की वर्शिप कर रही होती है। तो लिएंडर के मन में आता है कि ये तो उनकी वर्शिप कर रही है, ये तो बहुत एक भक्तन टाइप की लड़की है, पता नहीं ये मेरे प्रपोजल को मानेगी या नहीं, रिजेक्ट ना कर दे। तो फिर भी वो जो है वो अपना जो प्रपोजल है लिएंडर हीरो को देता है, मतलब उसको प्रपोज करता है। तो जो हीरो है वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि मैंने वीनस को, यानी कि गॉडेस ऑफ लव को, वो मींस होता है वचन, पवित्र रहने का वचन दिया हुआ है। चेस्टिटी मीन्स पवित्र रहना, कि मैंने वीनस को, अपने गॉड गॉडेस को पवित्र रहने का वचन दिया हुआ है, तो मैं तुम्हारा ये जो लव प्रपोजल है इसको रिजेक्ट करती हूँ। लेकिन कैसे ना कैसे करके जो लिएंडर है उसको कन्विंस कर लेता है हीरो को, तो बहुत बातें करता है उसके साथ, उसको कन्विंस करता है। तो उसको कहता है कि मैं रोज रात को ये हेलिस्पोंट स्ट्रेच को, स्ट्रेट को पार करके तुम्हारे पास आया करूंगा, तुम्हें मिलने आया करूंगा। तो जो हीरो है उसकी बात मान लेती है, शी कॉम्प्लाइज, कॉम्प्लाइज मीन्स बात मान लेना। हीरो एक बहुत ऊपर ऊंचे टॉवर में रहती है, तो वो लिएंडर उसको बोलता है कि जब मैं तुम्हारे पास रात को मिलने आऊंगा तो तुम अपनी विंडो में लैंप लगा कर रखना, ताकि तुम्हारी प्रेजेंस का मुझे वहां पर पता चल जाए। फर्स्ट नाइट जो जब वो जाता है वहां पर, जब वो स्विम कर रहा होता है सी को, तो वहां पर जो है नेपच्यून है, जो रोमन गॉड ऑफ द सी, उसको वहां पर मिलते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो लिएंडर है शायद गैनीमीड है, क्योंकि नेपच्यून जो है वो गैनीमीड से प्यार करते हैं, कि शायद ये गैनीमीड है, तो उसका ये पीछा करते हैं और इसको ये बिल्कुल सी बॉटम पर ले आते हैं। जब वो वहां जाकर उसको देखते हैं कि नहीं ये तो लिएंडर है, गैनीमीड नहीं है, तो फिर वो उसको दोबारा से शोर पर, किनारे पर ऊपर छोड़कर आते हैं। जब लिएंडर जो है वो हीरो के टॉवर के पास पहुंच जाता है तो दरवाजा खटखटाता है, हीरो जो है डोर ओपन करती है। लिएंडर बिल्कुल स्टार्क नेक्ड, स्टार्क नेक्ड मींस बिल्कुल नेक्ड होता है। तो इसके बाद जो पोएम की एंडिंग है वो होती है विद द डॉन ब्रेक, डॉन ब्रेक मींस
सनराइज, जब सनराइज होता है तो पोएम की जो एंडिंग हो जाती है. सो इट वॉज ऑल अबाउट हीरो एंड लिएंडर.